हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में वापस से बात करेंगे और एक मूवी के ऊपर, बट एक ऐसी मूवी जो फ्री में YouTube पे पड़ी है सालों से और कोई देख ही नहीं रहा है, क्योंकि लोगों को लग रहा है ये काम की चीज नहीं होगी, ये मजा नहीं लेगी इतना, बट ऐसा है नहीं। और उस मूवी को प्रमोट ही कैसे किया गया तो मैं एक चीज मैं दिखाऊँ, जो थंबनेल है ना वो भी सेंस नहीं बनाता उसको खुद होने का, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट कैरेक्टर जो कि थंबनेल पे लगा रखा है, तो मेरे को समझ नहीं आया क्यों है मिसलीडिंग थंबनेल। तो असली वो बना रहे हैं लोग, हमें बोलते हैं हम नहीं बना रहे, असली तो मैं यूट्यूब पे ही जो मूवीज पड़ी है एरर 404 वो वाले लोग बना रहे हैं और उसको चेंज कर दिया, ये ध्रुव राठी बोलता है। तो ये मूवी खुद को क्लेम करती है कि ये मिस्टीरियस हॉरर थ्रिलर है, बट ऐसा नहीं है, ये साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर में आती है मूवी, जो कि मेरे हिसाब से इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिकल थ्रिलर में से मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने इससे पहले बहुत कम साइकोलॉजिकल थ्रिलर इंडिया में बनी हुई देखी हुई है। और ये ना थोड़ा ये मूवी वो है जो आउट ऑफ इंडिया टक्कर देती है अपनी चीज़ों को, क्योंकि जो शॉट्स हैं पर्सनली जो लोकेशन है वो तो फॉरन है, ऑब्वियसली कोई भी बता देगा कि देख के कैरेक्टर्स भी, और थोड़ा मूवी को ऐसे बनाया कि फॉरन ऑडियंस के लिए भी बनाया गया है ताकि समझ आए, आधे ज़्यादा डायलॉग जो है वो इंग्लिश में है, नॉर्मल इंग्लिश जो समझ आए इंसानों को। तो मूवी का बैकड्रॉप ये है कि एक 404 नाम का हॉस्टल में कमरा है, मेडिकल हॉस्टल में। तो उसमें एक बच्चा जिसका नाम गौरव था वो सुसाइड कर लेता है किन्हीं कारणों की वजह से, और उसके बाद से कोई वो 3 साल तक रूम बंद रहता है। फिर नया बैच जो आता है उनमें से एक बैच के साथ कुछ अलग चीज़ें होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक कमरा खुलता है और उस कमरे में रहने लग जाता है एक नया बच्चा जिसका नाम है अभिमन्यु। ये उसी अभिमन्यु की कहानी है और बहुत लोग, तो जैसे कि ये मूवी 20s में शूट हुई है तो वहाँ पर हॉस्टल हो और कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और रैगिंग ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हाँ, इस मूवी में भी रैगिंग होती है दबा और फील होता है कि अरे थोड़ा ऊपर लेवल पे ले गए, और जो कर रहा होता है ना उनको भी आखिर में लगता है यार ज़्यादा ही हो गया यार, नहीं इतना तो नहीं करना था, थोड़ा बहुत ठीक था। तो फिर जो ये रैगिंग शुरुआत में होती है उसकी वजह से अभिमन्यु क्या करता है, जो लॉक्ड रूम है 404, वो अपने बैचमेट्स को बचाने के लिए ताकि उनके साथ वही उनके साथ रैगिंग ना हो, वो अपने आप ऊपर ले लेता है चीज़ें और वो शिफ्ट हो जाता है रूम नंबर 404। तो मूवी में एक कैरेक्टर आता है चार्ल्स, जो इसका टीचर है साइकोलॉजी का, और वो ना मेरे को थोड़ा शुरुआत से ना वो लग रहा था कि इस अगर कोई खराबी होगी तो ये बंदा होगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अभी कि कोई, मैंने देख ली पूरी मूवी बट मैंने जब देखी थी तब मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि भाई इसमें कुछ है। जब वो शॉर्ट है ना, जब वो बायोपोलर डिसऑर्डर को दिखाता था तो उसके मुंह पे रोशनी आती है, बहुत कम डायरेक्टर ऐसा करते हैं कि प्रोजेक्टर की रोशनी तुम एक कैरेक्टर के मुंह पे ही फेंक दे रहे हो, मतलब उसकी दूसरी साइड है जो हमें शुरुआत में नहीं दिखाई जाती, ये तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो खुद भी। और मूवी की वाइब खुद ही सेट कर देती है, मूवी शुरुआत से ही मिस्टीरियस हॉरर लेके चलती है, वो उसका म्यूजिक जो है ना वो उसका बैकड्रॉप बहुत अच्छे से बांध देता है। और हमें एक कैरेक्टर और दिखाया जाता है जो कि सीनियर जो सबसे ज़्यादा रैगिंग कर रहा है, जिसका नाम है क्रिस, और वो भी अपनी मैम के प्यार में पागल है, वो भी मतलब और भी तुम भी तो हो गए, तुम्हारा कह रहा हूँ मैं। और मूवी इन अ वे जब बात कर रही होती साइकोलॉजी के बारे में, तभी उसमें से एक कॉन्वर्सेशन है दो कैरेक्टर्स अभिमन्यु और चार्ल्स के बीच में, कि जो ये फेसबुक है वो जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो 24/7 सर्वेलेंस रख रहे हैं लोगों के ऊपर, और लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, और ये जो तुम एवरीडे लाइफ में भी देखते हो नॉट जस्ट यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा, तुम इंस्टाग्राम को छोड़ दो या किसी भी ऐप को छोड़ दो जो बैकग्राउंड में नेट ना हो, अगर नेट से कनेक्टेड हो तुम डेटा से कनेक्टेड हो तो तुम ऑब्वियसली सर्वेलेंस में हो किसी न किसी के, क्योंकि कहीं ना कहीं बातें फॉरवर्ड हो रही है, कहीं ना कहीं तुम्हारे मैसेज टैप हो रहे हैं, तुम इतना खुलेआम नहीं कर सकते हर चीज़ में, क्योंकि बंदिशें हर पल इनके पास होती हैं। और ये पूरी मूवी ना दिमाग का खेल है, इंसेप्शन देखी है उसमें भी दिमाग में घूमी रहती है, उस लेवल की नहीं है ऑब्वियसली, वो बहुत ऊपर है इससे, बट जो प्रोडक्शन संभाल सकता है ना यहाँ तक उसमें बहुत सही चीज़ देती है तुम्हें, और रियली गुड मूवी। अगर तुम साइकोलॉजिकल थ्रिलर से देखने जाओगे तो बहुत कम मूवी होंगी जो तुमने देखो, सबसे ज़्यादा अपरिचित हम लोगों ने देख रखेगी, क्योंकि उसको कोई नहीं टच कर पाएगा अभी तक इंडिया में, उसने अपना अलग ही फैन बेस बना रखा है, ठीक है, बट ये मूवी अपना फैन बेस लेके चलती है, क्योंकि ये एक तो फ्री है यूट्यूब पे, तुम यहाँ आके देख सकते हो, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, जो इसका पोटेंशियल है मूवी का वो बहुत ज़्यादा है, लोगों ने शायद से देखा नहीं है या क्या, वो मुझे समझ नहीं आया, बट
ये मूवी डिजर्व करती है थोड़ा और ऊपर आना, तो हाँ इसलिए अंडररेटेड लिखा है उन्होंने। और एंड आते आते तो मैं दिखने लग जाता है चार्ल्स का एंशियसनेस, जो वो हो रहा है ना खराब उसके साथ सिचुएशन के, वो भी उसी सिचुएशन में था जिसमें अभी अभिमन्यु गिर चुका है, वो अपनी माँ के चक्कर में था, जो इतना ट्रॉमा था उसको माँ के जाने के बाद, वो इमेजिन करने लग गया था कि उसकी माँ जिंदा है, बट जब वो सेटबैक लगा उसको रियलिटी हिट करी कि ऐसा कुछ नहीं है, माँ जा चुकी है, तो वो जो हिट करा और उसके बाद वो खराब होता चला गया उसकी जिंदगी में, और फिर वो उसमें से वापस निकल के और लोगों जिंदगी में, हाँ नो स्पॉयलर्स। और मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि साइंस एक्सपेरिमेंट के नाम पे एक बच्चे की जिंदगी खराब हो चुकी है, जो कि अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, तो तुम सोच सकते हो उसका दिमाग कितना शार्प था एक एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बलि का बकरा बना दिया गया, बट साइंस जैसा मानती है कि एक अगर बलि का बकरा बने और 1000 बचे तो वाई नॉट, तो इसलिए कर दिया गया उसको बिना पूछे उसको बकरी बना दिया। बट जो कि साइंटिस्ट है जिसने एक्सपेरिमेंट करा उसके ऊपर, वो खुद ही आखिर में उस बीमारी का शिकार हो गया, तो सैड फॉर यू चार्ल्स, बट क्या कर सकते। और मूवी का हाईलाइट जो है ना उसको पूरे एंड तक देखना, लास्ट का जो सीन है ना, वो जो पागल होने वाला सीन है, साइको हो चुका है बंदा, तुम देखोगे ना तो जो चार्ल्स का कैरेक्टर जो निभाया है निशिकांत कामत, उनने फैबुलस एक्टिंग करी उस लास्ट सीन में, जान डाल दी भाई, वो पागलपना और साइकोनेस दिखती है कि अब वो डरा सहमा पागल हो चुका है, वो उसको जो उसको दूसरे को कह रहा था कि तुझे शायद से अब असाइलम में भर्ती करना पड़ेगा, उसे करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि नो गोइंग बैक फ्रॉम देयर। सो हाँ, आज की वीडियो यहीं तक थी, तो आज की जो मूवी थी उसका नाम था एरर 404 नॉट फाउंड, और उसका रिव्यू यहीं तक था। एक बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल थ्रिलर, अगर तुमने नहीं देखी है तो देखो, और तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी, ठीक है, और तुम मेरे को रिकमेंडेशन दे सकते हो अगले जितने भी बचे दिन हैं उनके लिए दे सकते हो, 23 डेज के लिए तो मेरे को रिकमेंडेशन दो, क्योंकि जैसे कल रिलीज है तापसी पन्नू की, फिर आई हसीन दिल दुबा, उसका परसों रिव्यू आ जाएगा, तो यस गाइज बी पेशेंट, तुम्हारा भाई आ रहा है सब चीज़ें मस्त लेके, हाँ परसों मिलते हैं, कल भी मिलते हैं ऑब्वियसली, कल कुछ और लाओ ना, तो उसके लिए अभी प्रिपरेशन करने जाता हूँ, अभी एडिट करूँगा इसको, और मिलूँगा तुम्हें अगली वीडियो में। आज के साइनिंग ऑफ फ्रॉम माई साइड, और हाँ खुश रहो भाई, देखो किसी को अपने दिमाग में ज़्यादा मत घुसने दो, किसी को भी, मैं लड़की लौंडा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ सपने मुझे रहम चाहिए, और उसके लिए भी पागल नहीं, फैमिली है फैमिली पे जाना, ठीक है, बाय बाय, इतना ज्ञान मैं कोई ले जाऊँ, इसके पैसे अलग से देना, ठीक है, 10 रुपये पेटीएम, ठीक है भाई, बाय बाय।